गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक्टर लव इंजीनियर। और मैं हूं राहुल शर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूं महिंद्रा 575 DI के बारे में। सो गाइस, आज मैं इसके बारे में पूरा रिव्यू लूंगा, पूरा डिस्कस करूंगा क्या क्या इसके फीचर्स हैं। और ये भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर और किसान के सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। और मैं आपको पूरा बताऊंगा डीपली इसके बारे में, ये भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर कैसे बना और क्यों किसान इसे पसंद कर रहे हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो ये है महिंद्रा का 575 DI मॉडल और अब मैं आपको इसका रिव्यू दिखा रहा हूँ पूरा, क्या क्या चीज़ें इसमें, कहाँ कहाँ है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, क्या क्या क्वालिटी हैं, तो पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं पंप से स्टार्ट। ये इसका 4 सिलेंडर बोस कंपनी का इनलाइन पंप है और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है पूरा। और ये है इसके डीजल फिल्टर, ये इसका सेल्फ स्टार्टर और जो इसका फ्यूल टैंक है यहाँ पर है। और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 47.5 लीटर। और इसका बहुत अच्छा स्मूथ स्टेयरिंग है, जो पुराने ओल्ड मॉडल थे उनसे काफ़ी अच्छा लगता है और चलाने में भी काफ़ी कंफर्ट फील रहता है इस पर। सिंपल स्टेयरिंग होने के बावजूद भी किसान कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सिंगल क्लच में है बट अब डुअल क्लच का ऑप्शन भी महिंद्रा कंपनी दे रही है। और मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसके आगे वाले जो फ्रंट टायर हैं ये 616 के हैं और जो रियर टायर हैं ये 13/6/28 के हैं। और बहुत अच्छी लुक और किसान को सबसे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये किसान के हर इक्विपमेंट को चला सकता है। किसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन गया आजकल रोटावेटर, और रोटावेटर पे सबसे अच्छा काम कर रहा है। 45 HP का ट्रैक्टर है पूरा पूरा, 45 HP की श्रेणी में होने के बावजूद ये रोटर पर कोई लोड वगैरह नहीं लेता है। 7 फिट का रोटर बहुत कम्फर्ट से चलाता है। इसका 3 स्टेज टब ऑयल टाइप एयर क्लीनर है ये रहा। और ये इसका पंप दिख रहा है, हाइड्रोलिक ऑयल पंप। और इसका जो फ्रंट एक्सल है वो कर्व में दिया है बट ये एडजस्टेबल नहीं है, यहाँ पे ट्रैक्टर में वेट दिया गया है। और ये आपका रहा बैटरी बॉक्स। और जो इसका इंजन है वो 2730 CC का इंजन है, 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। और मैं आप बात करता हूँ इसके फायरिंग ऑर्डर की, यहाँ पे इसका फायरिंग ऑर्डर लिखा हुआ भी है 1342। इस रेशो के हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से इसके सिलेंडर पिस्टन जो वर्किंग होती है इंजन में। और ये रही इसके हाइड्रोलिक लिफ्ट के लीवर, ड्राफ्ट लीवर, DC and PC। सो और ये रही आपके गियर। और ये इसके ऑप्शंस इंडिकेटर वगैरह के, लाइट हॉर्न स्विच है यहाँ पर, ये मिरर दिया हुआ है इसमें यहाँ पे। तो पूरे पूरे देख रहे हैं हम। और पुराने मॉडल के हिसाब से इसमें थोड़ी लेंथ बढ़ी हुई है। ये MKM सीरीज का मॉडल है जो 2012 से स्टार्ट करे थे महिंद्रा कंपनी ने, और अब जो आ रहे हैं उनमें स्टिकर भी चेंज कर दिए, 2015 मॉडल है। बहुत अच्छा रखा है किसान ने, बहुत अच्छा, बिल्कुल साफ ट्रैक्टर है, एक नंबर। आप देख रहे होंगे पूरा ट्रैक्टर को। अगर हम अब इसके पिछले हिस्से पर आ जाते हैं, अब इसके पिछले हिस्से की बात करें तो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 1600 किलोग्राम की, यानी कि 16 क्विंटल लोड उठा सकती है इसकी लिफ्ट कैपेसिटी। और ये इसमें किसान ने म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है, बहुत कंफर्टेबल सीट है इसकी। हुक भी हैवी ड्यूटी लगवाया हुआ, हैवी ड्यूटी पे लगा हुआ है ट्रैक्टर, ये बहुत अच्छा लगता है, किसान की बहुत पसंद आता है क्योंकि हर इक्विपमेंट को आसानी से चलाता है। और माइलेज के मामले में भी बहुत अच्छा महिंद्रा का नाम रहा है और आज भी किसानों को पसंद आता है। गन्ना किसान भी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इसे क्योंकि ट्रॉली के मामले में किंग कहा जा रहा है इसे, बहुत अच्छे से ट्रॉली निकालता है। सो ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं इसमें और ड्यूअल स्पीड PTO है, जो हाई लोग के जो गियर है उससे ऑपरेट होती है। और 540 और 1000 चक्कर दोनों पे इसकी PTO काम करती है। सो और ये इसका वाल्व है हाइड्रोलिक, ठीक है। सो गाइज, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, देखिए क्या बेहतरीन आवाज़ है ट्रैक्टर की। 1900 rated RPM पे है यह ट्रैक्टर जो आता है, इसका 1900 rated RPM है इसका। और अब देखते हैं कितने RPM पे स्टार्ट है, ये 700 rated RPM पे स्टार्ट है इस टाइम पे। देखिए सब इसके इंडिकेटर वगैरह दिए हुए हैं, ये ब्रेक पे चलती है, पार्किंग स्विच और डिजिटल मीटर दिया हुआ है पूरा, ये देखिएगा बहुत अच्छा शानदार ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
गाइस अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और किसी ट्रैक्टर का रिव्यू देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए मुझे, मैं उस ट्रैक्टर का रिव्यू जरूर लूँगा। और इससे भी अच्छे अच्छे रिव्यू लेंगे हम आगे, जो भी ट्रैक्टर किसान को पसंद आ रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट एग्रीकल्चर के, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर हमारी में, सबका रिव्यू आपको देते रहूँगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।